सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, एफर्टें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारे दिन का सफर तय नहीं करते। कोई कारोबार में, कोई तिजारत में, कोई नौकरी में, कोई मुलाजिमत में, कोई सेमिनार्स में, कोई कॉन्फ्रेंसेस में, कोई अपने क्लाइंट्स को राजी करने में, थके हारे सारे दिन के बाद, दिन का सफर तय करने के बाद, रात रात के बाद अगले दिन का सफर, हम सब सफर तय कर रहे हैं। और हमें, मुझे, आपको इस सफर का एहसास भी है। शाम को थक हार के बैठते हैं, तुम्हें पता होता है कि आज हम दिन का सफर करके आए। लेकिन जिस चीज का एहसास करना जरूरी है, कातिहुन तो है, लेकिन कातिहुन क्या है? इला रब्बी का कदहन फमुलाकीत का एहसास नहीं रहा। इस कातिहुन में इतने मसरूफ है, इतने गर्क है, इतने मुलव्विस है, इतने गुम हो गए हैं, इतने मस्त, इतने मदहोश होके रह गए हैं, इसी सफर में इतने गर्क और इतने डूब गए कि एहसास नहीं हो रहा कि ये सफर हमें ले जा कर आ रहा है, इस सफर का इख्तिताम कहां है, और इस सफर के बाद जो सफर आदम हो रहा है, और जो सफर आदम होना है उसका एहसास नहीं। चल तो मैं और आप रहे हैं, दिन और रात के सफर कर तो रहे हैं, लेकिन यह एहसास उठ गया कि यह सफर हमें रब की मुलाकात की तरफ ले जा रहा है। यह दिन और रात का सफर, यह सुबह शाम का सफर, यह गर्मी सर्दी के तगैयुर का सफर, यह सालों महोसाल का सफर जो हम अपनी जिंदगी में तय कर रहे हैं, ये हमल से वजाए हमल, वजाए हमल से बचपन, फिर जवानी, फिर कबूलत, फिर बुढ़ापे का सफर हमें मौत से कब्र और कब्र से हशर के सफर की तरफ ले जा रहा है। हम इस सफर के अगले सफर से गाफिल हो गए। अल्लाह।